दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 13 सितंबर 2018 को यूके की फॉर्मर मिनिस्टर जो स्विंसन कॉमन डिबेट्स के लिए अपने साथ अपना बच्चा खुद उठाकर पार्लियामेंट में लेकर आती है। 28 सितंबर 2018 को न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जसिंडा आर्डर्न जनरल असेंबली इन न्यूयॉर्क में अपने साथ अपना 3 माह का बच्चा लेकर आते हैं। 13 जनवरी 2016 को स्पेन की एमपी कैरोलिना ने पार्लियामेंट में बैठकर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाई, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज का सामना करना पड़ा। 16 मार्च 2017 को स्वीडन की एमईपी जेटा यूरोपियन पार्लियामेंट में वोट देने के लिए अपने बच्चे को साथ लेकर आती है। दोस्तों, आपने कभी पाकिस्तान में कोई एक ऐसी खातून देखी है जो अपने बच्चे के साथ आई हो, जिसने कभी औरतों के हकूक की बात की हो? क्या आपने कभी किसी पार्लियामेंट की खातून को अपना बोझ उठाते खुद देखा है? जो अपने पैदा किए हुए बच्चे को नहीं उठा सकती, वो आपका बोझ कैसे उठाएंगी?